was at point P, the time was T1. When the particle was at Q, the time was at T2. रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया क्या? नहीं किया सर. नहीं चालू है. ठीक है ओके. अब हमको बोला है पार्टिकल जब यहां से स्टार्ट किया, बताओ पार्टिकल को यहां से यहां तक आने के अंदर कितना टाइम लगा है? बहुत टाइम लगा है ना. हाँ फाइन ओके. और जैसे जैसे ही बॉल को हमने यहां से थ्रो किया, वैसे ही बर्ड ने यहां से चलना शुरू कर दिया, राइट? और वो ऐसे जा रहा है. राइट. तो बर्ड ने हॉरिजॉन्टली ये जो है डिस्टेंस है कितना ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस टू माइनस बर्ड ने इतना है ना. तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज अगर मैं इसको बोलता हूँ डी, तो ये जो आएगा डी, मैं लिख सकता हूँ ना कि यू कॉस थीटा into T2 minus T1, क्योंकि ये तो horizontal में displacement हो गया ना उसका. हाँ. जो भी तुम्हारा रहा projectile है, projectile को P से Q जाने के अंदर कितना time लगता है? T2 minus T1. ठीक है. और and horizontal जो velocity है वो तो particle का constant रहता है because there is no acceleration. So I can write कि D equal to U cos theta into T2 minus T1. Fine. And bird को पॉइंट पी से क्यू पे जाने में कितना टाइम लगता है? T2. क्योंकि जैसे ही हमने बॉल को यहां से थ्रो किया, उसी टाइम बर्ड ने पोल से स्टार्ट करना शुरू कर दिया. तो ये तो हो गया, मैंने लिख दिया फॉर बुलेट. ठीक है. अब मैं लिखता हूं फॉर बर्ड. बर्ड के लिए कितना टाइम है? T2. और ये सपोज हमने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ बर्ड वी, तो वी इंटू अपना T2 क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए. उतना डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है. हाँ. अब देखो हमसे क्या पूछा है. फाइंड द रेशियो बिटवीन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एंड स्टोन. हाँ, तो हमको इन वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है. तो इन दोनों को एक काम करो, डिवाइड कर दो दोनों को. ठीक है. तो डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये लिख दोगे ना कि u cos थीटा T2 minus T1 should be equal to velocity of bird into T2. तो complete अपने velocity का ratio निकालेंगे horizontal component का. Find the ratio between horizontal velocities of bird and stone. अच्छा, मतलब कि सिर्फ horizontal velocity का component. तो हमको निकालना है v by u cos theta का ratio निकालना है. v is the अपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बर्ड एंड u cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? t2 minus t1 upon t2. इसकी वैल्यू हमको निकालनी है. हमको क्या-क्या चीजें पता है? हमको पता है कि t1 plus t2 इसकी वैल्यू क्या है? 2u sin थीटा / g. ठीक है. t1 t2 क्या है? 2h by g. और हमको ये भी पता है कि पार्टिकल का जो मैक्सिमम हाइट कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ना मैक्सिमम हाइट, क्या दिया हुआ? 3h/2 ना. तो देखो 3h/2, तो ये क्या हो जाएगा? 3h/2 क्या होता है? u square sin square theta upon, ये होता है ना 2g होता है. हाँ. तो यहां से देखो तुम्हारे पास में u sin theta की वैल्यू क्या बन जाएगी? U sin theta क्या बन जाएगा बताओ? कुछ कैंसिल हो रहा है? तो यहाँ से देखो ना, U sin theta root 3h g, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो U sin theta मेरे पास में बन जाएगा root 3gh ना. और है ना, U sin theta क्या है? U sin theta यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा इस वाली इक्वेशन से? वर्टिकल कंपोनेंट g by 2 t2 plus t1. बस अब यहाँ से अपने t1 t2 की वैल्यूज फाइंड करो, उसके अंदर पुट कर दो. सर t1 plus t2 एंड t1 into t2 वो कैसे आया भाई? ये तो तुमको पता है ना, क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हाँ, समेशन ऑफ रूट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट. यस सर. सर एक बार थर्ड वाला बताओ ना थोड़ा सा.
कौन सा थर्ड वाला थर्ड वाला कौन सा है? ए पार्टिकल, नहीं, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट 2,0,0 विद द वेलोसिटी यू मेकिंग इन 45 विद द हॉरिजॉन्टल, द प्रोजेक्टाइल मोशन पासेस थ्रू ए हॉरिजॉन्टल लाइन पी क्यू पार्टिकल्स। हाँ क्या हुआ इसमें, क्या किया बताओ, किसको पूछना है? नाम मुझे बताओ सर, पहले, सर नाम मुझे सर बताओ। अबे सब बार मुझे ही होते हैं, बोला नाम आयुष, बताओ। आयुष आयु, हाँ आयुष बताओ, तुमने क्या किया इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में? इसका डायग्राम कैसे बनाना है वो नहीं समझ रहा सर। अबे डायग्राम बना लोगे फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ सर वही तो नहीं समझ रहा। देखो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट 2,0,0 विद ए वेलोसिटी दिस मेकिंग एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। तो सपोज ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हैं, इसका 2,0,0 मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2। 2। तो मतलब कि ये यहाँ पे हमारा ओरिजिन होएगा ना, हाँ सर, 0,0,0। ठीक है आगे आते हैं, विद वेलोसिटी 10 मेकिंग एंगल 45, तो पार्टिकल को मैंने यहां से थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है आगे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पासिंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल लाइन पी क्यू विच मेक्स एंगल ऑफ 37 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट नहीं समझा था। एक सेकेंड, विच मेक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। लेकिन सर प्लेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से? वही तो नहीं यस समझा। सर, वही नहीं बात, सर, ओरिजिन नहीं सर, ए पार्ट क्योंकि सर पी पॉइंट, ओरिजिन से का चालू तो होना दिया कोऑर्डिनेट्स, चाहिए। अरे पी का तो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वहां पे 2,0,0, तो पी क्यू अच्छा लाइन से हाँ, चलोगे? ये तो हमको पी दिया ही हुआ है ना सर, इस पे 37 डिग्री पे एक थर्टी लाइन है, सेवन डिग्री उस पे पे प्रोजेक्टाइल हो रहा है, हाँ, उस पे तो ये लो प्रोजेक्टाइल हो यार, रहा है। तो इसमें क्या समस्या है? ये लो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, ये हमारे पास में प्लेन है, ये एंगल कितना दिया हुआ 37, तो पार्टिकल ऐसे जाएगा और यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा। सर रेंज निकाल के कंपोनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा। हाँ सर हाँ अभी समझ गया सर, डायग्राम आ गया, जरूर लाइन डायग्राम आ गया अलग जगह ना, ले लिया सर। तो इसका सर निकाल लेंगे लेकिन आर। हाँ सर इसकी रेंज का फॉर्मूला जो आपने किया था ना उससे मैंने ट्राई किया तो कुछ और ही आ रहा है आंसर। हाँ सर, और मतलब मैंने भी देखा सर ग्रुप में, मतलब एक दो जन का देखा तो उन्होंने वो नॉर्मल वाला भाई रेंज सुनो सुनो फॉर्मूला किया, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 37, ठीक है, और अल्फा प्लस है ना थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। भाई कंप्लीट एंगल 45 दिया हुआ है ना वो, तो अब बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास में, u स्क्वायर 2 sin थीटा बाय j, 2u स्क्वायर क्या है थोड़ा? sin 2 थीटा अपॉन जी। अरे नहीं ना भाई, ये सर हमारा इंक्लाइन प्लेन वाला मोशन हो रहा है। टू यू साइन थीटा, सर इंक्लाइन प्लेन नहीं है सर, अरे इंक्लाइन वो प्लेन y तो है, एक्सिस है, इंक्लाइन प्लेन तो है, y टू एक्सिस है यू सर। स्क्वायर साइन, सर टू यू साइन स्क्वायर सर थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस सर वो नॉर्मल थीटा। y एक्सिस है, जो 37 डिग्री वाली लाइन जा रही है ना वो y एक्सिस है, और प्रोजेक्टाइल एक सेकंड x और z पे होता है। एक सेकंड रुको, चलो यस देखने सर, लगते, मैंने भी वही किया और मुझे आर आंसर पे भी करेक्ट है सर तो वैसे लेके। अरे रुको रुको भाई, क्वेश्चन तो पढ़ने दो यार तुम। ये बोल रहा है कि पार्टिकल इज अ प्रोजेक्टेड फ्रॉम हेयर, ठीक है, हमने यहाँ से पार्टिकल को थ्रो कर दिया विद द वेलोसिटी इतना मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास में एक्स एक्सिस है, इन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज में, अच्छा, हाँ, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन वाला और नहीं हो रहा है ये, ठीक है, ये बताता हूँ कैसे। नहीं, अभी इसका कहते हैं डायग्राम बनाता हूँ ना, सर दिखाता तीनों हूँ ये एक्सिस हो, बनेंगे तब समझेगा वो। हाँ तीनों एक्सिस बनाते हैं ना, तो ये जो हमारा हो रहा है ये कुछ ऐसा हो रहा है, सपोज ये हमारे पास में एक, ये कुछ ऐसा है प्ले, ठीक है,
ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, और ये हमारे पास बन गया z एक्सिस ऊपर वाला, ठीक है। पार्टिकल को हमने थ्रो किया है यहाँ से, देखो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट है ना वो, हाँ सर एक सेकंड, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये कौन से प्लेन में जाएगा, ये इस वाले प्लेन में जा रहा है, ये इस लाइन के साथ में जा रहा है, ये सर वो ये एंगल जा रहा है ना, हाँ मतलब वो उसी प्लेन में, क्या मतलब ये जो लाइन है ये एक्स वाई प्लेन में लाइन है, ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन में लाइन है, और जो मेरा पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ से ऊपर उड़ के जाएगा और वापस इसी लाइन के ऊपर आएगा ऐसे, तो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, जैसे कि तुमने सपोज है ना रूम के अंदर बैठे हो तुम और रूम के वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ स्टोन को फेंक रहे हो, ठीक है। तो और ये एंगल हमको दिया हुआ है 45, तो ये जो आएगी ना रेंज, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी तुम्हारे पास में, देखो ये वाला, ये हमारे पास सिंपली बन जाएगा यू स्क्वायर, हाँ वो 10 होगा सर, हाँ 10 मीटर, हाँ तो क्या बन जाएगा 10 into sin is 1, तो ये कितना बन जाएगा 10 मीटर, तो ये तो बन गया 10 meter. अब इसके xy कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 10 cos 37 cos 37, ये कितना बन गया 8 सर, लेकिन 2 मीटर, हाँ लेकिन ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, 0, 0, और ये हमारे पास में ओरिजिन प्लस 2 होगा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 10, ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 10 sin 37 दैट इज 6 और 0 होगा, वापस तुम उसी उस पे आ गए गिवन ना अपने फ्लोर पे आ गए, तो अपना जेड कोऑर्डिनेट पे कितना हो जाएगा 0 0 हां सर अभी समझा सर, मतलब हां भाई देखो तुम अपने रूम के अंदर तो जो फ्लोर पे किसी है वो फ्लैट है, हां हाँ पी क्यू लाइन है, ब्लैक वाली लाइन है ये वाली जो मैंने बनाई, वो अपने एक्स वाई इसी के अंदर प्लेन में ही है ये पी क्यू। भाई जैसे तुम अपने रूम के अंदर फ्लोर पे बैठे हो, ठीक है, एक अपने कॉर्नर में, तो कॉर्नर के ऊपर तुम्हारे 3 एक्सिस बन गए ना एक्स वाई जेड एक्सिस, तुमने एक बॉल को फेंका और बॉल वापस उसी अपने फ्लोर पे गिर गया, हाँ सर, तो वो हो रहा है, तो तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बन रहा है जिस एंगल से तुमने बॉल को ऊपर फेंका है ये वाला, ये एंगल 45 है, बॉल ऊपर जाएगा और यहाँ पे तुम्हारे पास गिर जाएगा। तो 37 किससे एंगल है? 37 तुम्हारा हॉरिजॉन्टल में एक्सिस के साथ, इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल में फ्लोर पे जो है ना, तो तुम्हारा एंगल फ्लोर पे एक लाइन खींच दी 37 डिग्री, हाँ मतलब कि तुमने उस लाइन के अलोंग फेंका, मतलब तुमने यहाँ पे खुद बैठ के यहाँ पे तुम्हारे भाई को बैठा दिया, सपोज तुम्हारे पास एक कमरा है रूम है ये, ठीक है, तुम यहाँ बैठे हो और यहाँ पे तुम्हारा भाई बैठा है, है ना, तो ये जो लाइन है इस लाइन का एंगल बन रहा है 37, तुमने एक बॉल को थ्रो किया यहाँ से ऐसे, बॉल ऊपर गई और यहाँ पे इसके हाथ में आ गई, तो तुमको उसके कोऑर्डिनेट निकालने के जहाँ तुम्हारा भाई बैठा है, हाँ सर समझा सर, क्वेश्चन ही नहीं समझा ना, डायग्राम में समझ रहा था कैसे बनाना, हाँ तो ये लो मतलब बाकी हो गए ना, ऊपर नीचे वाले बॉल को ऊपर से फेंकना नीचे फेंकना, हाँ सर वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे सर, फोर्थ वाला मुझे डाउट है बेटा, एक एक करके सारे पूछ लो सर, इतना ही है अबे, तो सब लोग एक एक करके कुछ बता देंगे, उसमें 8 क्वेश्चन तो थे यार, तुमने किसी का कहा ना वो देखा सॉल्यूशन देखा नहीं, तो फिर तुमको हिंट कैसे मिलेगा, हाँ तो अगर किसी का सॉल्यूशन देखते थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता ना कि क्या किया है लोगों ने। कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ वाला।
आप हिंट दे दो, वो कुछ तो अजीब ही लग रहा था। हाँ, ठीक है, देखो फोर्थ वाले में लिखो, ये हमने इसका x एक्सिस ले लिया, ये हमने y एक्सिस ले लिया, ठीक है। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ux, ux कितना है 3, uy कितना है 0, उसका एक्सेलरेशन कितना है x डायरेक्शन में -1, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -0.5। क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी v एंड रिजल्टेंट। Okay. नहीं तो ठीक है, अभी उसको भूल जाओ, क्या करना है तुम बताओ, तुम इतनी इंफॉर्मेशन से क्या निकाल सकते हो, उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा? हाँ, आ जाएगा 3 - 1 × t i कैप, है ना भाई, भाई एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है ना, तो प्लस 0 - 0.5 × t j कैप, ये तो बन गया वेलोसिटी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ut plus half at square ना, 3 - 1 × t² i cap plus, ये क्या बन जाएगा 0 - half × 0.5 × t² ये बन गया उसका j cap। तो ये तो हमारे पास बन गया velocity vector और ये हमारे पास बन गया position vector। अब देखते थे condition क्या लगानी है हमको, so the condition is when it reaches maximum x coordinate, मतलब x coordinate कैसा होना चाहिए maximum, तो बताओ अगर x coordinate को maximum होना है तो मतलब कि उसका x component of an velocity कितना होना पड़ेगा उस point zero। तो अगर मैं इसको zero कर दूंगा तो मेरे पास t का value कितना आएगा, 3 सेकंड आएगा, 3 सेकंड बस, उसको कन्वर्ट कर दो सबके अंदर, तुम्हारे पास है वेलोसिटी वेक्टर भी है, ठीक है, ठीक है सर। और बताओ, बाकी हो गए सबसे? हाँ सर, सारे क्वेश्चन, चलो गुड, आज विल स्टार्ट ए न्यू थिंग जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो सबसे पहले वी विल कम टू दैट डेफिनेशन ऑफ मोशन, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास ऑफ द लेक्चर। एक तुमको अनाउंस किया होगा ना मैम ने कि यू ऑल यू हैव टू कीप योर वीडियो ऑन ड्यूरिंग द क्लास, है ना? हाँ भाई, बोला था सर। हाँ तो उसको ऑन करो। क्या ऑल स्टूडेंट हैव टू कीप ऑन देयर वीडियो ड्यूरिंग द लेक्चर। यार मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ ना, एटलीस्ट वीडियो देख के तो पहचान जाऊंगा। हाँ नूतन, ये नूतन है, ये कौन आदित्य, बालों क्या हो गया, हाँ लॉकडाउन में सबके बाल तो लंबे लंबे हो गए, क्योंकि कैसे मैं हेयर कट वाला शॉप ओपन है, तुम्हारे बाल तो यार बहुत सही है सर। हाँ ये देखो, अब मेरे मतलब हिमानिश के बाल हैं और इसको लग रहा है लॉकडाउन में है। हाँ आर्यन, गर्व तुम कहाँ बैठे हो सर? रूम में साउंड लगा है, स्पेसशिप लग रहा है तो। हाँ अभी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ चेतन, हाँ बेटा, ये कौन है, पनवेल, रोल नंबर 003। हाँ बेटा नाम क्या है तुम्हारा? ZPNNE2002AR003। मैं
मैं क्या होता है? हाँ आयुष आयुष सर, एक मिनट लिखता हूँ सर, नाम लिखता हूँ। हाँ नाम नहीं लिखा हुआ, एकदम मेरा हेडफोन वेडफोन लगा के। और आदित्य पेंटिंग क्या है पीछे? रीनेम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर। हाँ वो मैंने डिसेबल कर दिया सर, फिर वापस ज्वाइन करूँ ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। ओके सर। हाँ चलो देखो, हाँ डेफिनेशन बताओ मुझे उसका, मोशन का। मोहित मोहित आ गया, यस सर। हाँ बताओ डेफिनेशन ऑफ मोशन सर। हाँ ये देखो, इसने अपना पूरा बुक खोलना स्टार्ट कर दिया बेटा, इसीलिए मैंने वीडियो ऑन करवाया था। हाँ श्रेया, when an object changes its position with respect to time। ओके उसके बाद मतलब उसमें एक वर्ड और आता है, with reference to a fixed point, with respect to a given reference frame। ओके So, वो जो रेफरेंस फ्रेम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि अगर एक सिंपल सी बात माने कि ये हमारे पास में अर्थ, ठीक है, ये अर्थ के ऊपर हम भी यहां बैठे हैं, तुम भी यहां बैठे, तुमको लगता है कि विद रिस्पेक्ट टू ए बी इज स्टेशनरी। लेकिन अगर मैं बात करूं मून की, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एक और ऑब्जर्वर बैठा है, ये हमारे पास में मून है, उसको क्या लगेगा? द होल अर्थ इज मूविंग। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी भी मूव कर रहा है, ठीक है। फिर सपोज मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, यहाँ पे एक और हमारे पास में है सन, तो उसके रेफरेंस फ्रेम के अंदर मतलब अर्थ भी मूव कर रही है, मून भी मूव कर रहा है, सब कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि हम बोलते हैं कि मोशन जो है, द वर्ड मोशन एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है ऑब्जर्वर, दैट हु इज ऑब्जर्विंग। सपोज एक अपना सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक लिफ्ट है, ये भाई होती है घर के अंदर, होती है आजकल तो हर बिल्डिंग में होती है लिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे एक मैन है, ये मैन ए, ये मैन बी, ये हमारे पास में ग्राउंड, और यहाँ पे है हमारे पास में सी। इसने स्टार्ट किया और लिफ्ट ने चलना, ये हमारे पास में था टी इक्वल टू जीरो पे, और अब ये जो लिफ्ट है ये ऊपर चलता चलता सपोज यहाँ पे आ गया, ये टी। तो बताओ इन रेफरेंस ऑफ सी, इसका मतलब हुआ कि नाउ माय ऑब्जर्वर इज दैट पर्सन सी, क्या बोलेगा वो? ए एंड बी आर इन मोशन, इन मोशन, इन मोशन, बिकॉज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू सी आर चेंजिंग। पहले वो नीचे थे, अब वो ऊपर चले गए, ठीक है। But if I talk about reference frame A, अगर मैं उसके reference frame में बात करूं, जैसे कि तुम suppose यार lift के अंदर जा रहे हो, तुमको क्या feel होता है कि तुम्हारे सामने वाला person move कर रहा है? नहीं, no. क्योंकि हमारे respect में उसका coordinate कैसा है? Constant। उसका distance पहले भी मान लो कुछ तो एक feet था और अभी भी कितना 1 feet है। तो in the reference frame of A, ठीक है, B is at rest and C is rest or moving? Moving. When you are going in a bus, you see that everything is going behind, right? So C is moving. So whenever you say that something is at something at stationary, it's all depends on the reference frame. Now what we will do, we will change our reference frame
to you know simplify the question. तो देखो कैसे, तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन के, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारा मतलब कि रिपीट कर से तो मेरा मैनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैंने बोला कि सर मैंने उस सी तक में था, सी के बाद क्या बताया पता भाई। अगर तुम इसको लोगे रेफरेंस फ्रेम, तुमने ले लिया ए को ले लिया, तो उसके फ्रेम में द पर्सन बी इज स्टेशनरी। व्हेन यू आर गोइंग इन ए कार यू सी दैट द अदर पर्सन हु इज एन सिटिंग एंड बिसाइड यू इज एन स्टेशनरी, राइट? यस। एंड ऑल द थिंग्स, जैसे तुमको लगता है ना कि सब कुछ पीछे जा रहा है, बिल्डिंग भी पीछे जा रही है, पेड़ भी पीछे जा रहा है, तो तुम्हारा जो ऑब्जर्वर सी है वो तुमको क्या लगेगा कि ही इज मूविंग एंड गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एवरीथिंग इज एन रिलेटिव। तो पहले यहां से अपने स्टार्टिंग करते हैं कि व्हाट इज एन रिलेटिव पोजीशन। अब यहाँ पे अजम्पशन, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम अर्थ टू बी स्टेशनरी, ये हमारा अजम्पशन है। हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम। अभी हम अपने ऊपर नहीं जाएंगे, सन पे भी नहीं जाएंगे, मून पे भी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मतलब अर्थ की बात करते हैं। वी विल अज्यूम दैट आवर अर्थ इज स्टेशनरी, ठीक है। एंड एनी रेफरेंस फ्रेम विच इज fix to earth will be at rest। भाई अगर हमने assume किया हुआ है कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है और एक रेफरेंस फ्रेम को मैंने फिक्स कर दिया अर्थ के ऊपर, तो वो जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है वो भी कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो हम उसके फ्रेम में सॉल्व करते हैं, जैसे ये हमारे स्टैंडर्ड एक्सिस, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में वाई एक्सिस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको मैंने बोल दिया ओ, ठीक है। इसके फ्रेम में सपोज ये मेरे पास में एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको मैंने बोला ए। इसके कोऑर्डिनेट तुमको दे दिए एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो बताओ इफ आई वॉन्ट टू सी दिस point, so how will I see, how will I look at the point? I will look at the point in like this na, yes sir, right? Isko aise dekhunga, yes. So if I say position vector of a, to kya ban jayega, x not I cap plus y not j cap, not I cap not j cap, ma aisa hota hi hai na। तो इसको मैंने बोल दिया आर ऑफ ए। सपोज आई वॉन्ट टू सी दिस पॉइंट, एक पॉइंट मैंने बोल दिया बी, जिसको मैंने कोऑर्डिनेट बोल दिया एक्स वाई। सपोज ये हमारा ऑब्जर्वर वन है, ठीक है, ये अगर इसको देखेगा तो ऐसे देखेगा इस लाइन के अलोंग, तो बताओ उसका अपना पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, बताओ बताओ। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, ओके। अब नाउ वी हैव चेंज द ऑब्जर्वर, अब मैं ऑब्जर्वर को यहां बिठा रहा हूं, यहां पे ये है मेरा ऑब्जर्वर। अब ये वाला ऑब्जर्वर अगर पॉइंट बी को देखेगा, नाउ ऑब्जर्वर ए इज लुकिंग एट पॉइंट बी, सो हाउ विल ही लुक, वो तो उसको ऐसे देखेगा ना इस लाइन के अलोंग, तुम यहां बैठे हो, राइट? तो ये जो लाइन है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अगर सपोज इसके सामने मैंने कुछ लिखा नहीं है ना, तो मतलब ग्राउंड फ्रेम में है, लेकिन अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू
ए, मतलब कि आई वॉन्ट टू लुक एट पॉइंट बी और आई एम सिटिंग एट पॉइंट ए, सो आई नीड टू फाइंड दिस वेक्टर. और तो ये इसको मैं अगर लिखना चाहूँ ये बन जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए और यू कैन से ऑब्जर्वर ए. अब बताओ वो जो वेक्टर है वो हमारा क्या बन जाएगा वेक्टर एडिशन से, बताओ. अगर इफ आई टेक ए ट्राइंगल ओ ए बी, सो इफ आई अप्लाई ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल ए ए बी ओ, तो बताओ क्या बनेगा हमारा एडिशन लॉ. समझे ना? संजना जीरो. अरे नहीं ना, ट्राइंगल लॉ बताओ ना कि किन दो का एडिशन तीसरा वेक्टर होगा. ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ, कहते ट्राइंगल लॉ ऐसा होता है ना कि एक वेक्टर यहां से जा रहा है, इसके एंड पॉइंट से अपना दूसरा वेक्टर जा रहा है, तो थर्ड वेक्टर जो कि यहां से यहां जा रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों के एडिशन को. तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है सर, पोजीशन वेक्टर ए प्लस पोजीशन वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बी. देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले हम यहाँ गए, देखो ना एरो इसी तरफ है, इसके एंड पॉइंट पे आ गया, इसके एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ जा रहा है राइट, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसको मिला दिया, तो इन दिस ट्राइंगल आई कैन से आर ए प्लस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट to A should be equal to R of B. So I can write reference frame ये वाला equal to R B minus R. ठीक है, तो I can write position vector of B with respect to A. It will become position vector of B minus position vector of A. ये हमको याद रख, मतलब उसने अपने आप को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हम रेफरेंस फ्रेम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से, तो हमारे पास में आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. मतलब क्या बोल रहे हो सर, जैसे ये है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखा है ना, हाँ सर, वैसे उसका यू लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. क्यों नहीं ना, उल्टा वेक्टर बन जाएगा ना यार, फिर इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर तो हाँ, तो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है फिर तुम्हारा, बी पे बैठा, बी पे बैठा, किसी भी वेक्टर को भी रिवर्स कर देते हो तो क्या होता है, उसके सामने माइनस साइन आ जाता है ना. यस, तो जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में ओरिजिन, ये हमारे पास में पॉइंट ए इसका कोऑर्डिनेट 2, ये हमारे पास में पॉइंट बी इसका कोऑर्डिनेट 6, ये हमारे पास में पॉइंट सी इसका कोऑर्डिनेट 8. अब मुझे बताओ पॉइंट जो ए है उसका क्या है कोऑर्डिनेट, 2, 0. पॉइंट जो बी है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 6, 0. पॉइंट जो सी है उसका कोऑर्डिनेट 8, 0. ये सब कुछ अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये सब कोऑर्डिनेट और किसके फ्रेम में है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है ना, इसको रीजन अपने ज़ूम किया है ना. नाउ अगर मैं मेरे ऑब्जर्वर को यहां बिठा दूं, सपोज नाउ आई विल से विद रिस्पेक्ट टू ए, अब हमने ऑब्जर्वर को बिठा दिया ए के ऊपर, तो अब क्या बोलोगे, बी पॉइंट कितना दूर है, 0, 4, 0. भाई इसके इसमें देखोगे, भाई देखोगे ना इससे कितना दूर है ये, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 4, तो इसके फ्रेम में जब तुम बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या बन जाएगा 4, 0. पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वाला यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 6, 0. और अगर मैं बोलूँ की पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 कॉमा 0
मतलब कि वो जो पॉइंट है ओ वो ऑब्जर्वर ए से टू एरे यूनिट पे है एंड कहां की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में. तो देखो ना यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली, हमने बेसिकली यही किया है कि आर बी माइनस आर ए किया है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना था 6, इसका कोऑर्डिनेट कितना था 2, तो हमने लिखा ना ये कि भाई 6 माइनस 2 हमारे पास में 4 आ गया था. फिर यहाँ पे हमने क्या किया आर ऑफ सी माइनस आर ऑफ ए, आर सी का कोऑर्डिनेट कितना है 8, यहाँ से सबट्रैक्ट कर दिया 2 तो मेरे पास में 6 आ गया. यहाँ पे आर ऑफ ओ माइनस आर ऑफ ए, आर ऑफ ओ कितना है 0 माइनस 2 तो हमारे पास ये आ गया था. यस सर. तो सब कुछ इट्स ऑल रिलेटिव. ठीक है, जैसे अपने एक और एग्जांपल लेते हैं. तो ये हमारे पास हम ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं ना. यस, हम ओरिजिन ही शिफ्ट कर, मतलब ओरिजिन का मतलब क्या होता है तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, जैसे ये हमारे पास में था और कौन से बच्चे हमारे पास हैं, पनवेल वाले बच्चे हैं ना, ये हमारे पास पनवेल और ये हमारे पास में पुणे. सर सर, वो विद रिस्पेक्ट टू ए से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. विद रिस्पेक्ट टू ए में इफ आई एम टॉकिंग दैट ऑल द पॉइंट्स आई एम लुकिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बताओ इफ माय ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट ए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कितना दूर है तुमसे बी? 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स, तो तुम क्या बोलोगे मुझसे कितना दूर है 4 यूनिट और कहां की तरफ? पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ. तो मैंने लिख दिया 4, तो ये बेसिकली क्या बन गया r ऑफ b माइनस r ऑफ a ना, जो पॉइंट b है उसका एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या है 6. एक एक्चुअल कोऑर्डिनेट कितना है 2, 4 आ गया. तो वैसे ही हमारे पास इसका भी कर दिया गया, c का भी कर दिया और ओ का भी कर दिया. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, थाने पनवेल पुणे, थाने से कितना डिस्टेंस है पुणे का? सपोज यहाँ से यहाँ का जो बहुत है सर, बहुत सपोज अप्रोक्सीमेटली 250 और पनवेल से मान लो है 210 किलोमीटर. ठीक है, तो क्या बोलोगे तुम बताओ कि तुम बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पुणे विद रिस्पेक्ट टू थाने इज व्हाट? 250. फिर तुम बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पुणे विद रिस्पेक्ट टू पनवेल 210 क्या है? 210. तो अब मुझे बताओ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ थाने, नहीं पोजीशन वेक्टर ऑफ पनवेल विद रिस्पेक्ट टू थाने, इसका मतलब हमको और किसको फाइंड करना है? आई नीड टू फाइंड पोजीशन ऑफ थाने, नहीं पोजीशन ऑफ पनवेल विद रिस्पेक्ट टू थाने, मतलब हमको इसको फाइंड करना है ना भाई, हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? थाने में बैठा है. और इसको 30 किलोमीटर, इसको किसको देखना है? इसको देखना है ना माइनस 40 किलोमीटर प्लस मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है उसको देख रहा है ना उधर. हाँ फिर 40. तो फिर हम लिख देंगे 40 किलोमीटर. तो देखो पुणे जो है वो वहां पे ही है. ठीक है, तो मतलब जैसे ये जो मेरा पॉइंट है ना सी, ये यहाँ पे बैठा है, ये फिक्स है. अब इसको पनवेल वाले जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे भाई इसका पोजिशन वैक्टर कितना है 210. जो थाने वाले लोग हैं वो क्या बोलेंगे उसका क्या पोजीशन वेक्टर कितना है 250. मतलब पोजीशन वेक्टर जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम कहाँ पे है. सो दैट इज व्हाई वी से कि पोजीशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी. इफ यू विल चेंज योर रेफरेंस फ्रेम योर पोजीशन विल चेंज. फाइन, आर वी क्लियर पोजीशन वाला एवरीवन? अब जैसे यहाँ पे इसी इक्वेशन की बात करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको फिर से लिखता हूं मैं. हमने लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. इसका मतलब ये होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है,
माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड को हम जनरली कहते लिखते नहीं है, उसको ऐसा लिख देते हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट ग्राउंड इज स्टेशनरी. अब एक काम करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, इस पूरी इक्वेशन को हमने कर दिया डी बाई डी टी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वैक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वैक्टर ऑफ ए. तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्टेटमेंट वेलोसिटी. हाँ यस, तो ये हमारे पास क्या बन गया, वेलोसिटी भाई, ठीक है, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू, ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ ए. मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद वेक्टर साइन. देखो ये सारी चीज जो है ना रिलेटिव चीजें हैं, दीज थिंग्स अप्लाई ओनली इन वेक्टर क्वांटिटीज, ओके, स्केलर के अंदर मत लगा देना ये. तो द फंडा इज दैट दिस. अब बताओ, इफ वेलोसिटी एंड बी एंड वेलोसिटी ऑफ ए आर सेम, सपोज देयर इज अ कार, सपोज ये हमारे पास में एक कार है, इसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, ये है ऑब्जर्वर ए, ये है ऑब्जर्वर बी, और ये यहां पे जा रही है कार वी सी, ठीक है, तो तुरंत ग्राउंड फ्रेम में देखा, हमारे पास एक ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है ग्राउंड, तो ये क्या बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ, मतलब ए क्या है वी सी, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है वी सी, वी सी. तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या बन जाएगा, जीरो. तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज जीरो, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तभी तो बोलते हैं जब हम कार के अंदर बैठे होते हैं तो पास वाला इंसान हमको स्टेशनरी लगता है ना. सर एक बार फिर से ये वाला बताएंगे ना. अरे अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है, सपोज जैसे हमने यहाँ पे लिया था लिफ्ट वाला क्वेश्चन, कहाँ गया ये, सपोज जो तुम्हारा लिफ्ट है वो ऊपर जा रहा है, सपोज इसका वेलोसिटी भी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जा रही है ना लिफ्ट, तो इसका भी कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड. यस सर, होगा ना. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, क्या तुम्हारा 2 - 2 जीरो. इसीलिए जब तुम दो लोग लिफ्ट में जाते हो तो सामने वाला पर्सन तुमको स्टेशनरी लगता है ना. तो ये चीज, तो अगर दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है तो ये हो जाएगा. ये चीज तुमने शायद स्कूल के अंदर भी की होंगी, व्हेन बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो क्या करते हो, सबट्रैक्ट कर देते हो, इफ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन उनको ऐड कर. तो वही तो है भाई, अगर मान लो ऑपोजिट में जा रहे हैं तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो तुम्हारा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना. जैसे एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये ए ये बी. तो बताओ इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. यस, तो देखो अगर मैं निकालूंगा, अब मुझे निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए, तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो क्या बन, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 8i कैप, कितना बन गया 2i, मतलब ए के रेफरेंस फ्रेम में जो बी है
उसका स्पीड कितना है, टू, मतलब कि पर सेकेंड उनके बीच का डिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, टू, और प्लस साइन आ रहा है, मतलब कहाँ की तरफ जा रहा है वो, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में। जैसे कि अगर मैं सिंपल अगर इसका एक एग्जांपल लूं, ये यहाँ है, इसका वेलोसिटी 6 meter per second, ये यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी 8 meter, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस है ये है, मतलब ठीक है, इसको हमने बोल दिया टी इक्वल टू जीरो, फिर हमने देखा टी इक्वल टू 1 second पे हमने देखा, तो ये जो मैन है ये कितना आगे आ जाएगा, 6 आगे आ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये ये जो है ये हमारे पास में कितना आगे चला जाएगा, और 8 meter चला जाएगा, 8 meter है ना, 8। तो बताओ मतलब अभी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x plus 2। तो भाई अब जो तुम्हारा ऑब्जर्वर है ए, उसको क्या लगेगा कि पहले हमारे बीच में डिस्टेंस कितना था, x, अभी हमारे बीच में डिस्टेंस कितना है, x plus 2। तो हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 अमाउंट से इंक्रीज हुआ, तो मतलब कि हमारा ना रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 2, ठीक है, और ये कहां की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए प्लस में आ गया, अगर पीछे की तरफ जा रहा होता तो है ना माइनस में आ जाता। तो हम जो भी मोशन पढ़ रहे हैं इट्स ऑल इन अ रिलेटिव, ठीक है। अब जैसे मान लो मतलब अपने इसमें आ रहे ऑपोजिट में आ रहे हैं, सपोज एक मैन यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी है 5 meter per second, एक यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी है 6 meter per second, बताओ व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, 11 meter per second। तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ माइनस 11 आई कैप, तो अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बना दूं, ठीक है, देखो ना ये हमारे पास में ऑब्जर्वर होता है ना, तो अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बना दूंगा तो इसे क्या लगेगा कि ये वाला मैन इसके पास में आ रहा है, तो यहाँ की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी कैसा आएगा, प्लस प्लस। अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बना देता, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, अगर इसको ऑब्जर्वर बनाता इसको लगता कि ये कहाँ की तरफ आ रहा है, ये यहाँ की तरफ, तो आंसर कितना आता, तो आता माइनस 11, ये कितना आएगा प्लस 11। तो हमारे ऑब्जर्व भाई अगर सपोज तुम्हारे पास में दो लोग हैं, तुम आमने सामने खड़े हो, अगर सामने वाला तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो अगर तुम एक दूसरे के रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर दोगे तो डायरेक्शन विल बी रिवर्स, क्योंकि तुम्हारे लिए अगर वो इंसान और लेफ्ट में है तो उसके लिए तुम कहां पे हो, राइट में, आमने सामने हो ना। तो इसलिए कहते हैं कि व्हेन थिंग्स आर, अगर तुमने रेफरेंस फ्रेम को रिवर्स कर दिया तो देयर विल बी अ माइनस साइन, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, ठीक है। ओके अब सपोज ये जो इक्वेशन आई थी इसको फिर से कर दो डिफरेंशिएट, तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन भी। तो अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसको डिफरेंशिएट कर दो भाई, कोई भी इक्वेशन को आई कैन डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट, क्योंकि इक्वल वाली चीजें है ना, ये क्या बन जाएगा d by dt of velocity of b with respect to a equal to d by dt of velocity of b minus d by dt of velocity of, अब देखो बार बार ऊपर कहते हैं वेक्टर का सिंबल नहीं लगाऊंगा, अंडरस्टूड है वो, ठीक है ना, अब इतना टाइम हो गया हमको वेक्टर करते हुए कि जहां भी लिखा हुआ है तो वेक्टर है, तो ये क्या बन जाएगा द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ बी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मतलब क्या हुआ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी
with respect to ground minus acceleration of a with respect to. एकदम आसान चीज है, कोई देखो ना फॉर्मूला तो एक ही है, तुमको जो कहते हैं रेफरेंस फ्रेम में उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आसान हो जाते हैं। हाँ सर वो तो है, लेकिन है ना हर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा ना, होगा ना? नहीं हर नहीं है, तुम हर क्वेश्चन ऐसा क्यों होगा अब भाई, तुम हर क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का भी तो नहीं होता ना, प्रोजेक्टाइल भी आता है थोड़ा सा तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ हर ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि हर क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो सकता है। नहीं हाँ तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, देखो देयर क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे ग्राफिकल मेथड से इजी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन से इजी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे रिलेटिव मोशन से इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन कि तुमको कौन से मेथड से सॉल्व करना है सच दैट योर क्वेश्चन विल बिकम इजियर। तो ये तो वो है ना ट्रिकी चीज है, ये तो उसी के लिए तो सब कुछ क्या कह दो ना क्या करना है ना। तो अब देखो रिलेटिव मोशन जो है वो वन डायमेंशन में भी हो सकता है, टू डायमेंशन में भी हो सकता है, थ्री डायमेंशन में भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई इसको को वन डायमेंशन करना है कि टू डायमेंशन करना है, हमने सिंपली लिखा है अगर उसमें आई कैप आएगा तो आई कैप आ जाएगा, जे कैप आएगा तो जे कैप आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे इसका एग्जांपल जो इसकी थ्योरी है, थ्योरी इज वेरी इजी बट एग्जांपल्स आर डिफिकल्ट। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, टू कार्स ए एंड आर बी, ये तो हमने अभी कर लिया, चलो सेकंड आते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद डाउनवर्ड, ये तो रेन जो है यहाँ पे आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, कितना दिया हुआ है सर, कौन सा एग्जांपल है ये, अपने इसी के अंदर है ना बुक जो मैंने पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ सर वो नंबर क्या है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर कौन सा, एग्जांपल 2 एंड दिया है कि मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, मैन जो है वो यहाँ की तरफ जा रहा है, लेक्चर 9 होगा ना, हाँ लेक्चर 9। तो हमसे पूछा है velocity of rain with respect to man, बताओ क्या आएगा भाई। ये तो तुमको पता है ना कि अगर तुम stationary खड़े हो तो बारिश तुमको कम लगती है, तुमको उसका speed कम लगता है, and if you are moving you feel that rain is coming very fast on you, हाँ ये तो ठीक है। अब देखो if you are stationary तो जो rain है उसका speed कितना है, 4, देखो ना। अब If you start moving, अब बताओ कि velocity, तो देखो हम क्या करेंगे, हमको पता है velocity of rain, ठीक है, तो क्या है वो -4 j cap ना, downward है, velocity of man कितना है 3 plus 3 i cap, तो हम लिखेंगे velocity of rain with respect to man equal to velocity of rain minus velocity of man, तो velocity of rain is -4 j cap -3 I cap, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, -7 सॉरी -5 कैसे बन जाएगा भाई, 16 प्लस -5 किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, हां सर है ना, हां चलो जैसे एक और सर, ये भी सर हम तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आपने अभी ड्रॉ किया जो ऐसे जे कैप और आई कैप में उसका रिजल्टेंट हमेशा आएगा रिलेटिव वेलोसिटी,
नहीं ना रिजल्टेंट अलग चीज होती है. रिजल्टेंट का मतलब, एक सेकेंड, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? एडिशन. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? तो हाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. सब्ट्रैक्शन हो गया. ओके हाँ ओके 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 ठीक है. चलो एक और सर, 3i-4j लिखते तो भी सेम ही होता ना. देखो उसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम आता, वो तो हमारी मर्जी है ना. आई कैप किसको लेना, जे कैप किसको लेना. अगर तुम सपोज इसको ले लेते जे कैप है ना, और इसको लेते आई कैप, तो कहते सब कुछ उल्टा हो जाता फिर. लेकिन अब मैग्नीट्यूड तो उतना ही आता ना बेटा. हाँ सर. यस भाई, आई कैप जे कैप तो हमारी मर्जी है ना, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, उसमें तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है सर. लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिया तो फिर Vm-Vr होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं, देखो ना क्या, हमेशा हमने कहते हैं सब्ट्रैक्ट किसको किया है, रेफरेंस फ्रेम को करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो. हाँ ऑब्जर्वर हमेशा, जो ऑब्जर्वर ही तो अपने सब्ट्रैक्ट होता है. तो डायरेक्शन हमारी मर्जी है, तुमको आई कैप किसको बोलना, जे कैप किसको बोलना, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. बट ऑब्जर्वर विल बी सब्ट्रैक्ट. वेक्टर चेंज हो जाएगा ना फिर. हाँ होने दो ना, वही हमें लिखना पड़ेगा. वेक्टर तो हमारी मर्जी है ना, कहते मतलब ऑब्जेक्टिव में कहाँ पूछते हैं हमको. यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसको मैंने आई कैप लिया है, इसको मैंने जे कैप लिया है. अगर अब मतलब ऑब्जेक्टिव होता है अपना तो ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ देन यू हैव टू स्पेसिफाई दैट विच डायरेक्शन यू आर टेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे एग्जांपल 3, ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. सपोज ये हमारे पास में ग्राउंड है, ये यहां गया ठीक है, और ये इसका वेलोसिटी सपोज 5 meters per second ठीक है. इसको मैंने ऊपर फेंका 10 meters per second से. फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 second. सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी एट टी इक्वल टू 1. बताओ. अब देखो तो पहले तो इसको करते हैं अपने ने कहते सिंपल वाले मेथड से ठीक है. तो अपना सिंपल वाला के क्या होता है मेथड भाई, हमने इसको इंडिविजुअली सॉल्व किया. बताओ मतलब 1 second पे ये कहां पे होगा. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड दो, एक मेथड 1. मेथड 1 को हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब हुआ कि इसके अंदर वी आर नॉट यूजिंग रिलेटिव मोशन, वी आर डूइंग इट एब्सोल्युटली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो बताओ कहां पे होगा ए, 1 second के बाद में. 10 meters. अच्छा कैसे? बताओ बताओ बताओ. एक्सेलरेशन भी लग रहा है ना सर. भाई होएगा ना, ऊपर जा रहे हो तो अपने पास होगी ना ग्रेविटी होएगी. यस सर. तो देखो इसके अंदर हम इक्वेशन क्या लगाते हैं, y इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है y. तो माइनस y. हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो ऊपर की जो है डायरेक्शन उसको मैंने ले लिया पॉजिटिव ठीक है. तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 इनटू कितना टाइम है, 1 ठीक है. फिर माइनस हाफ इनटू g की वैल्यू है 10 इनटू 0 सर. हमारा कितना आ गया, 0 आ गया ना. तो मतलब कोई चेंज नहीं. तो पार्टिकल पहले ऊपर गया मतलब आधे सेकंड तो ऊपर गया और फिर क्या हुआ, नीचे आ गया वापस राइट. तो ये तो हो गया वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए. अब मैं बात करता हूँ इसकी, सर आंसर 5 होगा. बी की बात करते हैं ठीक है. ओके फॉर बी, उसका क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट, 10 into 1 minus half into 10 into 1 का square. तो कितना आया बताओ तो, 10 minus 5 5 होगा. 5 मतलब कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ कहीं है ठीक है. और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है,
5 मीटर, तो बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? तो बोलोगे कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 मीटर. तो ये तो हमने एब्सोल्यूट मेथड से किया जो कि हमने लेक्चर 4 में किया था, राइट. नाउ वी विल यूज रिलेटिव मोशन. ठीक है, तो हमको पता है कि ये अपने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 5, अपना इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी 10, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है माइनस जी, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है माइनस जी, इसके लिए कितना टाइम है 1 सेकेंड, इसके लिए भी कितना टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. तो अब बताओ, है ना, अब मैं निकालता हूं रिलेटिव. ठीक है, तो हमने निकाला मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, u ऑफ बी माइनस u ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा 5. एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0, क्योंकि उसके पास भी अपनी ग्रेविटी है 0. ठीक है, तो अब है ना इक्वेशन लगाते हैं सेकंड वाला. सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे लगा दिया रिलेटिव, ये लो. इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओके इनिशियल अपना रिलेटिव एंड वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू अपना टाइम का स्क्वायर. तो ये हमको निकालना है ना, रिलेटिव उनके बीच का डिस्टेंस कितना है. तो इनिशियल कितना है 5 इनटू 1 प्लस इनका एक्सेलरेशन कितना है 0, तो आंसर कितना आ गया 5 मीटर. सर हाँ सर, अगर हम लोग इधर मतलब इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मतलब बी कॉमा ए के जगह ए कॉमा बी लेते तो चलता क्या? हाँ तो चलता, तो क्योंकि बता देखो अब क्या, अगर तुमने यहाँ पे हमने रेफरेंस फ्रेम किसको लिया है, ए को लिया, तो हमारा आंसर कैसा आया पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे है हमारा ए और यहाँ पे है हमारा बी, तो ये बोलेगा कि ये जो पार्टिकल की ये कहाँ पे ऊपर है पॉजिटिव. अगर मैं, लेकिन अगर मैं उसको लेता बी तो हमारा आंसर कैसा आता नेगेटिव, बिकॉज जो वहां का ऑब्जर्वर है वो इसको कैसे देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है ना. सो आंसर के अंदर बस एक माइनस साइन आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. So, इसलिए हमारे जो है रिलेटिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से इजी हो जाते हैं. सर नॉर्मली क्या तो भी चलेगा ना? चलेगा. कोई क्वेश्चन को करने के दो मेथड, तुम हर क्वेश्चन को एब्सोल्युटली भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो रिलेटिव से. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए हो गया था, आगे जाओगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे तो फिर थोड़ा हो सकता अलग अलग आएगा. अब देखो तुमको क्या करना है, एग्जांपल ये मैंने कर दिया 3, 4, 5, 6 ठीक है 7, 8, 9, 10, 11 ये एग्जांपल है, ट्राई करना. ये हम अगली क्लास के अंदर सॉल्व भी करेंगे, बट I want you guys to try it first, then we'll see how things goes. फोटो नहीं भेजना है ना? नहीं नहीं नहीं, इसको अपने आप ट्राई करना, क्योंकि इसका आंसर भी तो नहीं है ना कहीं. तो तुम ट्राई करो, फिर तुम मुझे क्लास के अंदर बताना कि तुम्हारा अप्रोच कैसा था, तुमने कैसे सॉल्व करने का ट्राई किया एंड सो ऑन. ठीक है, एंड अभी जो तुम्हारा तुम संडे को होगा ना प्रैक्टिस सेशन होगा, है ना, तो संडे वाली क्लास के अंदर तुम वो जो है ना लेक्चर 6 to 8 वाला जो है लेवल 2 जो है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना, डिस्कस कर लेना उसको क्लास के अंदर, एंड उसको कंप्लीट करना है पहले. ठीक है, ओके, चलो बाय बाय. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर.